लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 8 पॉइंट एक्सरसाइज 1 स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, फर्स्ट एमसीक्यू जो है, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1. वैल्यू ऑफ टेन ए है, ये कह रहा है कि ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है. हम कहेंगे ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? बिकॉज अगर हम देखेंगे टेन 60 डिग्री दैट इज अंडर रूट 3 दैट इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये फॉल्स है. नंबर सेकंड, sec a इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. यहाँ पे अगर हम देखेंगे sec किसके बराबर होता है, sec थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है बेस से भी, परपेंडिकुलर से भी, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 2 जो है, ये ट्रू है, ट्रू हो सकता है. cos a इज द एब्रीवेशन यूज फॉर द cosecant ऑफ एंगल ए. ये फॉल्स है क्योंकि cos a के लिए जो यूज कर रहे हैं वो है cosin a. cosecant a जो है ये cosec के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए ये फॉल्स है. पार्ट नंबर 3 आल्सो फॉल्स. पार्ट नंबर 4, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a. अगर हम देखेंगे cot a, ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये फॉल्स है. क्यों? cot is meaningless, this is valueless, meaningless and a is also valueless. अगर हम ये दोनों मिलाएंगे तो बन जाता है यानी एंगल cot a यानी वैल्यू बन जाता है फिर, इसलिए ये फॉल्स है. sin a equal to 4/3 for some angle theta. sin हमें पता है किसके बराबर होता है, perpendicular upon hypotenuse. so यहां perpendicular hypotenuse से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स है.